क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख आपके दिमाग में इतने सारे प्रोसेसेस प्रोसेस process कैसे होते हैं uh, अलग अलग, अलग लेवल्स से आप चार्ट को देख रहे हो hmm. मतलब जिस लेवल पर वही जो मैंने पहले भी कहा सेम चीज पूछना चाहो आपके दिमाग में क्या चलता है पैटर्न रिक्नेशन हो जाती है uh, पहले तो जैसे कि मे भी किसी को ये हार्ड लग रहा होगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बच्चों का खेल है अभी एस्ट्रोलॉजी आई ही नहीं है ये बहुत बेसिक है ठीक है इट इज़ वेरी वेरी बेसिक ओके कि हाउस अपने लॉर्ड में बैठे हैं इट इज़ वेरी बेसिक उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है रणवीर की एक उम्र कम पड़ती है सीखने में hmm. और इसीलिए जब आप ज्योतिष अक्ल्ट इन सब्जेक्ट्स में जाते हो ना तो आप बहुत शांत हो जाते हो जो मैंने एकदम शुरुआत में बोला था वीडियो के ठीक है आप बहुत काम हो जाते हो आप बहुत पीसफुल हो जाते हो क्यों क्योंकि आपको इतना पता चल जाता है कि यार ये जो भी दुनिया में खेल चल रहा है ना ये खेल पहले से कहीं लिखा हुआ है hmm. जब मैं एस्टोलॉजी में आया मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करता था ठीक है मैं मेंस लिखा हुआ है मैंने और उसके बाद फिर कोविड आ गया फिर कोविड में क्या करें क्या करें तो एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हो गया और जब चार्ट पढ़ना सीखा तो पता चला यार ये तो पहले से था मुझे तो हमेशा से एसोलॉजर बनना था

वैसे अब कुछ बुरा बचा नहीं है क्योंकि मैंने चीज़ें बैलेंस कर रखी हैं ठीक है मेरी शनि की साढ़े साथी चल रही है मेरी शनि की महादशा भी चल रही है शनि मेरे कुंडली में मारक स्थान पर बैठे हुए हैं बट आई एम डूइंग माई हार्डवर्क ठीक है सो so, वो सेटन मुझे परेशान नहीं करता मेरा सेटन भी सेकंड हाउस में ईटिंग हैबिट्स में तो मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक कर रखी है ठीक है अभी मैं जैसे यहाँ पे आया था तो मुझे ऑफ़र किया कि मैंने नहीं खाया मुझे नहीं खाना था क्योंकि सो इस तरह से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो आप अब ये नहीं है कि क्योंकि चीज़ों को बैलेंस कर दोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप तो शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर दो आप तो आई में कौन जीतेगा प्रिडिक्ट कर दो अरे मुझे शेयर मार्केट की कुंडली दो ला के तुम दे सकते हो क्या नहीं दे सकते आप मुझे ला के आई की कुंडली दे दो आज के मैच की कुंडली दे दो दे सकते हो क्या नहीं दे सकते तो क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहे हो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की गलती नहीं होती रणवीर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आपका इंटेलेक्ट कितने लेवल का है वो भी डिपेंड करता है आप ये पूछ रहे हो कि पंडित जी घर के सामने काजल रहती है क्या सोच रही है मेरे बारे में जरा बता दो ये अब्यूज़ ऑफ एस्टोलॉजी है इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए पंडित जी मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ क्या वो पट जाएगी कुछ ऐसा कर दो कि वो मेरे पास खींची चली जाए आप जाते हो रोडों पे तो आप देखते हो बैनर कि लौट कर आएगी तेरी बाहों में लिपट जाएगी बाहों में सौतन से छुटकारा पाएँ ठीक है ये ये अब्यूज़ है ये ज्योतिष आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो ये हमेशा लिबरेट करेगा आपको आपको चिंताओं से मुक्त करेगा कहीं पे आपको डर लग रहा है एस्ट्रोलॉजी में ना तो गलत जगह हो दोस्त ठीक है क्योंकि कभी डरा ही नहीं सकता ये नॉलेज एम्पावर करने के लिए बनाई गई थी क्या आपको पता है यार कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर ना मुझे जॉब का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नाउ यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन तो अब आप ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए देर इज अचान्स की नेक्स्ट यर आपका शायद एक्सीडेंट हो जाए ना यू आर वेल प्रिपेयर आप प्रिकॉशंस ले रहे हो आपका भी मेडिकल uh, इंश्योरेंस नहीं था आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया तो एक्सीडेंट तो हुआ बट आपकी जेब खाली नहीं हुई वरना आप गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हो एक अच्छा खासा मेडिकल बिल आया आप पूरा हो जाओ हो जाओगे बट यू हैवे गुड मेडिकल इंश्योरेंस तो बच जाओगे okay. मुझे कुछ कहना और प्लीज मुझे करेक्ट कर दो एस्ट्रोलॉजी okay. के अकॉर्डिंग ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ sure. जो भी आपने अब तक का है कोहली का एग्जाम्पल दिया अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स दिए मैंने ये जाना आज के पॉडकास्ट के दौर पॉडकास्ट का एंड नहीं है ये बस एक ब्रेक ले रहे हैं उस फ्लो से मैंने ये जाना है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को जिए मेहनत करें थोड़े डिटैच रहे इमोशनली स्टेबल रहे खाना ठीक से खाएं जो भी हमें बचपन से कहा जाता है कि ये चीज़ों को अच्छे से करो इन इन चीज़ों का ध्यान रखो तो फिर काफ़ी हद तक आपका चार्ट भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है अब मैं ये कहूंगा आपने एस्ट्रोलॉजी के कोर को जस्ट हिट कर दिया ठीक है हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहली रोटी गाय को गाय को रोटी खिलाओ शुक्र अच्छा अपनी वाइफ की इज्जत करो रिस्पेक्ट करो शुक्र अच्छा अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो फादर की रिस्पेक्ट करो मून अच्छा सन अच्छा अपने भाइयों के साथ बना के रखो घर तोड़ो मत किसी का आपका मंगल अच्छा पढ़ाई करते रहो डीप डाउन एकदम मेडिटेशन के साथ पढ़ाई करो रिसर्च के साथ केतु अच्छा बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे ग्लोमी मत हो लोगों का सहारा लो लोगों से गाइडेंस लो लोगों से पूछो ये सारी वही बातें हैं जो आप बचपन से सुनते चले आए हो ये सारे प्लैनेट्स को ठीक कर रहे हैं इंग्लिश uh, में एक शब्द है कॉन्शियनशियस मतलब जो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होता है स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है हर चीज़ को हंड्रेड परसेंट देता है उसे कॉन्शियनशियस बच्चा कहते हैं यही लॉजिक है मेरे ख्याल से कि कॉन्शियनशियस रहना चाहिए लाइफ uh. में और मेरे ख्याल से जवाब टोटली अध्यात्म का पात पकड़ ले तो एटलीस्ट ये मैंने खुद की लाइफ में भी नोटिस किया बेसिक अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या नॉलेज uh, को ज़्यादा सीक आउट कर रहे हो तब सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है लाइफ में करेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं यानी यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी uh, अभी पाँच साल छः साल से बहुत इंटेंस मेडिटेशन कर रहा हूँ मेडिटेशन करने के बाद ना मुझे बहुत शांति फील होती है और उस शांति में बैठे बैठे मुझे क्रिएटिविटी मिल जाती है क्रिएटिविटी को मैं अपने काम में अप्लाई करता हूँ और उस काम से मुझे मटेरियल uh, सक्सेस मिलता पर एक्चुअली उसकी शुरुआत मेडिटेशन से ही हुई है कॉन्शियनशियसनेस से हुई है तो अगर किसी के बुरे चार्ज भी है आई फील कि ये कॉन्शियनशियसनेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फिक्स कर सकते हो सिवाय अगर मर्क्यूरी आपके पर वो लोग पॉडकास्ट सुनते भी नहीं <laughs> <laughs> जो मोस्ट ऑफ द लाइंस आपने बोली हैं एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है ज्योतिष आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है ज्योतिष वही सारी चीज़ें बता रहा है उपायों के तौर पर भी हम वही बताते हैं कि आप ये पूजा कर लो यहाँ hmm. प्रार्थना कर लो ठीक है पूजा प्रार्थना क्या है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ठीक है आप पूजा कर रहे हो नमस् नमस् नमस्व वो पूजा नहीं वो पाखंड है ठीक है आपको मंत्र पढ़ना है मंत्र साधना करनी है ओम नमः शिवाय इस तरह से पूजा करो पाखंड क्यों कर रहे हो तो कई सारी चीज़ें ओवर द टाइम हुई क्या एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज थी उनको मजाक बना दिया गया ठीक है इट इज़ लाइक कि आ, आप ये कर दो तो वो जाएगा वो कर दो तो वो हो जाएगा तो वही कि हमें थर्टी मिनट में डिलीवरी चाहिए पिज्ज़ा की तो हमें थर्टी मिनट में रिजल्ट भी चाहिए और ये पी साहब पेशेंस का खेल है ये और ये बहुत ज़्यादा समझ का खेल है नॉलेज का खेल है मैं इसीलिए एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता हूँ वंस अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट ऑलवेज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट मैं भी एक, एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट ही हूँ मैं आप, कभी अपने आपको प्रोफेसर बोल दूँ तो मैं अज्ञानी हूँ मैं पागल हो गया हूँ अगर मैं अपने आप को प्रोफेसर बोलूँ कोई बोल ही नहीं सकता पराशर ऋषि आए तो उन्होंने लिखी थी एस्ट्रोलॉजी की पहली पुस्तक जिसका नाम था बृहत पराशरी होरा शास्त्रम उसमें हमें एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें मिली कब की बात वेद व्यास के फादर हैं वो वेद व्यास जी के फादर हैं वो तब से एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान चला है अगर ये गड़बड़ होता ख़राब होता तो भुला दिया जाता अब तक पर ये आज भी रेलेवेंट है और पिछले साल और इस साल भी आप देखो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट निकले जा रहे हैं लोग आ रहे हैं सामने बता रहे हैं चीज़ें अपने अपने तरीके से तो जो ज्योतिष है ना ये जीवन संवारने के लिए आया है इसको वहीं तक सीमित रखें और इसको सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में बट आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए जो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को आ जाएगी ठीक है और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाते हो ना तो उपाय आप खुद ही बना ले जाते हो ठीक है और फिर उसके बाद ना दो दूनी चार है जैसे मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल अगर जैसे वीनस इज योर सेक्चुअल थिंग एंड योर स्पाउस एन एटसेट्रा मार्स इज योर एनर्जी ठीक है लाल ग्रह मंगल एनर्जी तो व्हेन वीनस एंड मार्स सेटिंग टुगेदर तो आप दो दूनी चार भी अगर करोगे तो दिस पर्सन एनर्जी गोइंग इनटू सेक्सुअल प्लेजर ठीक है तो ये बहुत एक सेक्शुअल थिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइल्ड इनके तो मुझे वाइल्ड सेक्स बहुत पसंद है ये वो पर्सन है जो मार्स वीनस साथ में बैठा है ठीक है तो इस तरह से अब ये कहीं किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको ये दो दो ही चार करके जब आप चीज़ों को समझोगे बेहतर समझोगे तो समझोगे ठीक है तब आप सीख जाओगे दर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको समझा जा सकता है सीखा जा सकता है साल भी लग जाते हैं महीने भी लग सकते हैं आपकी इंटरेस्ट uh, कितना है उस पर डिपेंड करता है अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ